तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो मैं प्रयागराज से निकला था और मैं जा रहा था चित्रकूट, तो रास्ते में मुझे मिला महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो काफ़ी खूबसूरत है। और सामने आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, पहाड़ियों पे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पेड़ है ये, तो काफ़ी घनी पहाड़ी थी ये और मुझे काफ़ी खूबसूरत जगह लगी। मैं रुक गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वाल्मीकि आश्रम है और मैं व्यू को एंजॉय कर रहा था, नेचर को एंजॉय कर रहा था। फिर आगे जाके मुझे कन्फ्यूज़न दूर हुआ, बोर्ड लगा था, मंदिर था तो वहाँ मुझे कन्फ्यूज़न दूर हुआ। और दोस्तों ये लालापुर में पड़ता है, लालापुर चित्रकूट में ये मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम है। और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था तो मैंने बाहर बाहर से दर्शन कर लिया। तो ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है लालापुर। महर्षि वाल्मीकि तपस्थली मेन गेट है, बंदर काफी है। जो पहाड़ी दिख रही थी पेड़ जैसी वो यही है। तो ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। महर्षि वाल्मीकि ने ही तपस्या की थी, उनका आश्रम है यहाँ पे। और ये ऊंची नीची करते हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं फिर से। अरे गजब, ये पहाड़ी है और यहाँ पे मैन मेड झरना है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। और वाल्मीकि आश्रम और नेचर को एंजॉय करने के बाद मैं पहुँच गया हनुमान धारा जो काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ियों काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। यूपी का एक सेंटर है। नीचे से ही सीढ़ी बनी हुई है जहाँ झोपड़पट्टी दिख रही है ना, और रोपवे और झोपड़पट्टी के बीच से वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए है। वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आना पड़ा है, अभी भी और ऊपर जाना है। एक धारा यहाँ से आ रही है और बैकग्राउंड में व्यू देखिए, पहाड़ियाँ दिख रही हैं और एक मैदान है पहाड़ियों के बीच में। यहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं इस साइड में, इधर सूरज डूब गया और इस साइड होते होते पहाड़ियाँ कम होती जा रही हैं यूपी साइड में। ये सारी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये हनुमान धारा का चढ़ाई है, सीढ़ी है, 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता उनके लिए रोपवे है। रोपवे से चल के जा रहे हैं लोग, वहाँ रोपवे का सेंटर है, फिर ऊपर सेंटर है, तो जिसे चढ़ा नहीं जाता है वो रोपवे से चलता है। लेकिन मैं तो सीढ़ी से चढ़ के आ रहा हूँ और 300 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँच जाऊँगा। अच्छे लोग अच्छा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हमारा बैंक अकाउंट वहाँ नहीं है तो हम अच्छे नहीं हैं भैया। तो ये एमपी की एक गजब की लोकेशन है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, रोपवे चल रहा है नीचे से ऊपर तक, बुजुर्ग लोग चलते होंगे यहाँ पे जो चढ़ नहीं पाते हैं। ये हनुमान धारा ऊपर से बह के आ रहा है पानी,
एक उधर एक झरना बह के आ रहा था और एक झरना इधर बह के आ रहा था। यहाँ शिवलिंग है और हनुमान जी की शिव के रूप में एक मूर्ति है। श्री बाल रूप हनुमान तो रूप से लोग चढ़ के आते हैं, वहाँ से उतर के दर्शन करते हैं। वैसे ये झरना भी काफ़ी अच्छा है। बस ये काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, कमजोर लोगों की सांस खुल जाएगी। और दूसरे दिन मध्य प्रदेश के पर्यटक आवास में विश्राम करने के बाद मैं निकल गया कामतानाथ मंदिर के लिए, जो कामतगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है। कहा जाता है कि कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के बाद आप जो भी कामना करते हैं वो पूर्ण होती है। तो कामतगिरी पर्वत जाने का ये एक रास्ता है, यहाँ से आप कामतगिरी परिक्रमा कर सकते हैं चारों तरफ घूम के। कामतगिरी का मुख्य द्वार है, यहाँ से कामतगिरी पर्वत जाने का रास्ता है। कामतगिरी परिक्रमा मार्ग मंदिर का गेट बंद है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से दर्शन करा रहा हूँ। वो ऊपर एक पर्वत दिख रहा है, ये कामतगिरी पर्वत है, ये तलहटी में बसा है ये मंदिर, कामतगिरी मंदिर है। यहाँ मंदिर की श्रृंखला है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, तुलसीदास जी का एक मंदिर है। तो ये राम वन गमन पथ का एक कॉरिडोर है, राम जी ने यहाँ पे विश्राम किया था चित्रकूट में।
श्री राम जानकी मंदिर। ये श्री बांके बिहारी मंदिर है। जय श्री कृष्ण।